आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कटोरी, सूजी है, चीनी है 1 छोटी चम्मच, खाने वाला सोडा है 1 छोटी चम्मच, नमक है। अब हम एक थाली लेंगे, उसमें मैंने सूजी डाल दी है और जो कटोरी में मैदा लिया था वो मैदा है। हम इसके साथ 2 कटोरी मैदा ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 पहले ली थी और 1 ये। 2 कटोरी मैदा है और 1 छोटी कटोरी सूजी है। सूजी मैंने यहाँ पर इसलिए मिलाई है कि इससे हमारे भटूरे करारे बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच चीनी डाल दी है, 1 छोटी चम्मच खाने वाला सोडा है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे कि जिससे कि हमारे आटे में सब मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी को डाल करके आटा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने आटा तैयार कर लिया है। इसको हमें ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है। ये हमने आटे को गूंद लिया है। अब हम इसको 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि हमारा आटा जो है फूल जाए। ये देखिए, मैंने इसको ढक करके 30 मिनट के लिए छोड़ दिया है। हमारा आटा फूल चुका है, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना करके भटूरा तैयार कर लेते हैं। मैंने सूखे आटे का यूज़ किया है। गैस पे कढ़ाई रख दी है और मैंने उसमें देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है, मैंने उसमें भटूरा डाल दिया है और धीरे धीरे से चलाते हुए हम भटूरे को सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा, उसको हाई नहीं करना है। ये देखिए, मैंने उसको पलट दिया है, इतना अच्छा कलर आया है। ये देखिए, करारे भटूरे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।